थर्ड पार्ट आज हम करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है और प्रॉपर स्केल अपनी मर्जी से उसने कहा हुआ ले लें, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में लेते आ रहे हैं, तो पहले तो मैंने कहा था कि हम 2-3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, लेकिन इसमें चूँकि वो पैराबोला और एलिप्स वगैरह बन रहे हैं तो फिर हमें 1-2 वैल्यूज़ ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कोशिश करें 6-7 वैल्यूज़ हो जाएं, ज़्यादा भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, वो ज़्यादा वाजे यानी ग्राफ बन जाता है। ठीक है, पेपर में बड़े अच्छे से आपने ये बना लेना है। वैसे आमतौर पर बड़े सवाल पेपर में नहीं आते, पेपर की प्रिपरेशन सीरीज़ होगी वो वीडियोज़ आपने लाजमी देखनी है, थोड़े से सवाल होंगे हर बोर्ड के लहदे लहदा। तो ये एक्स ये वाई 0, 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4। ठीक है, ऐसे कुछ हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली, तो एक एक वैल्यू करके इसमें दर्ज करते जाएंगे, हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे और उनको हम दर्ज करेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे अपना। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर आ गया -4, इसमें दर्ज कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो y बराबर 3, x की जगह -4 का स्क्वायर -4, x की जगह -4 +1। तो ये आ गया 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16, -+ +4, 4 16 +1, 16 3 48, 16 और 1 17, तो ये 65 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गई पहली वैल्यू 65। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, y बराबर -3 ले लेते हैं, x बराबर, ठीक है x, तो y बराबर 3, x की जगह -3 का स्क्वायर हो गया -4, x की जगह -3 +1, तो 3 और ये आ गया 9, -+ +3, 4 12 +1, 3 9 27, ये 13 हो गया, दोनों को जमा कर लो तो 40 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम -2 रख लेते हैं, x इज इक्वल टू -2, तो y बराबर 3, x की जगह -2 का स्क्वायर -4, x की जगह -2 +1। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इसमें रखते जा रहे हैं हम। तो 3 ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, -+ +4, 2 8 +1, ये आ गया 3, 4 12, 8 और 1 9, को जमा कर लो तो आई थिंक 21 बन जाएगा ये। इसी तरह x -1 रख लेते हैं, तो y बराबर 3, -1 का स्क्वायर -4 -1 +1, 1 का स्क्वायर 1, -+ +4, 1 4 +1, 3 1 3, 5 + 1 5, और ये हो गया 8। इसी तरह 0 ले लेते हैं, x बराबर 0, y बराबर 3, x की जगह 0 का स्क्वायर -4, x का जगह 0 +1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4 0 0 +1, 3 0 0, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 1 का 1, तो ये हमने 4 वैल्यूज निकाल ली। इसी तरह नीचे 4 वैल्यूज और निकाल लेते हैं, 5 निकल गई वैल्यूज। अब एक्स वन रखेंगे इसी इक्वेशन में, ठीक है, ये वाली जो है,
तो वाई बराबर थ्री एक्स की जगह वन का स्क्वायर माइनस फोर एक्स की जगह वन प्लस वन। या मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, वन का स्क्वायर वन, फोर वन जार फोर प्लस वन, थ्री माइनस फोर प्लस वन, ये ज़ीरो आ जाएगा, वन रखने से ज़ीरो आ गया। ऐसे ही अब टू रखते हैं, एक्स बराबर टू, तो वाई बराबर थ्री एक्स की जगह आ गया टू का स्क्वायर माइनस फोर एक्स की जगह टू प्लस वन, थ्री टू का स्क्वायर फोर, फोर टू ज़ार एट प्लस वन, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व माइनस एट प्लस वन। तो ये फाइव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। इतने लेंथी सवाल आमतौर पर बहुत कम आते हैं, तो इसलिए आपने लास्ट में वीडियो ज़रूर देखनी है जो पेपर्स के लिए बनाई जाएंगी ना। एक्स बराबर थ्री, वाई बराबर थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री प्लस वन, थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस वन, ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन। बारह में से एक गए तो माइनस ग्यारह, नहीं आता तो कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये सोलह आ जाएगा, ये आ गया सोलह। इसी तरह अब फोर रह गया इसी क्वेश्चन में इक्वल टू फोर, वाई इज इक्वल टू थ्री, फोर का स्क्वायर माइनस फोर एक्स की जगह फोर प्लस वन, थ्री चार का स्क्वायर सोलह माइनस सोलह प्लस वन, सोलह तीन अड़तालीस, ये पंद्रह आ गया, पंद्रह निकाल दे तो थर्टी थ्री शायद ओके हो गया। लो जी ये पॉइंट्स आ गए, इसको हम अब आराम के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ ड्रॉ खोल लेंगे, ठीक है। मैं पॉइंट्स यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस फोर के साथ सिक्सटी फाइव, ये आ गया, ठीक है, माइनस थ्री के साथ फोर्टी, माइनस टू के साथ ट्वेंटी वन, माइनस वन के साथ एट, ज़ीरो के साथ वन, वन के साथ ज़ीरो, टू के साथ फाइव, थ्री के साथ सिक्सटीन और फोर के साथ थर्टी थ्री, ये हमारे पेयर्स आ गए। बड़े प्यार के साथ अब यहाँ हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका, ठीक है। लो जी ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन, ये वाई एक्सिस की लाइन, एक्स नेगेटिव है तो डैश और ये वाई नेगेटिव है तो डैश। अब देखें वैल्यूज 65 और 40 तक हैं, अगर हम 11 लेंगे तो वो नहीं होएगा, तो इसलिए यहाँ जो हम स्केल ले लेते हैं वो 10 का ले लेते हैं या 5 का ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 5-5 का लेता हूँ तो ये देखें यहाँ वाई 65 तक, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, नहीं 10 के लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो एक्स वाली वैल्यूज़ चूँकि हम छोटी ली हुई हैं तो वो 1 नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब एक्स है माइनस फोर, तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस फोर,
तो यहाँ दस दस का ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ये 4 और ये 65 इसके दरमियान तकरीबन आ जाएगा ऐसे। इधर से इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया है ना, उसमें भी हमने जो एक्स एक्सिस पे है ना वो वैल्यूज़ 5 5 ले ली थी, तो वो कुछ अच्छा नहीं बना था। तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 1 का ही ले लेंगे नीचे ना एक्स एक्सिस पे। वो मैं आपको भी दोबारा वो उसकी वैल्यूज़ करवा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे सही वाजे बन गया, ठीक है, 1 1 का ले लेंगे। अगर -3 के ऊपर कितना 40 है, तो यहाँ से ये और इधर से ये, जहाँ पे ऐसे दोनों मिलते हैं वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर -2 के ऊपर 21 है, तो ये 20 है, तकरीबन यहाँ पर 21 आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। फिर -1 पे 8 है, तो 8 तकरीबन यहाँ पर होगा। फिर 0, x 0 है तो y 1 है, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। फिर x 1 है तो y 0 है, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। फिर x 2 है, वो 5 है, तकरीबन यहाँ सेंटर में आ जाएगा ये। फिर 3 है, 3 पे 16 है, तो आई थिंक यहाँ पर तकरीबन, ठीक है, ये पॉइंट। फिर 4 पे 33 है, यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब इनको मिला लें, लो जी ये हमारा ग्राफ बन गया। तो सिंपली हमें क्वेश्चन दी गई थी, उसमें हमने 6 7 वैल्यूज़ खुद से ले लेनी है। कुछ पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ नेगेटिव होनी चाहिए, उनको इधर दर्ज करेंगे, हमारे पास आंसर आते जाएंगे, पेयर बनते जाएंगे। तो वो पेयर सारे यहाँ पर लिख लेंगे, फिर एक प्रॉपर स्केल लेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ छोटी थी तो यहाँ पर हम 1 1 का ही डिस्टेंस ले लेंगे, और वाई की वैल्यू चूँकि बड़ी हैं तो इसके लिए यहाँ हमने 10 10 का ले लिया। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें वो वैल्यूज़ थोड़ी मतलब छोटा हमने लिया था, तो वो सही नहीं बना था ग्राफ, तो मैं वो दोबारा ड्रा करने लगा हूँ, आप वो भी देख लो, ठीक है। ये देखें, ये हमारी वैल्यूज़ आई थी सेकंड वाले पार्ट में, तो इसका मैं ग्राफ दोबारा ड्रा करने लगा हूँ, तो देख लें आप लोग। तो सबसे पहले हम स्केल बना लेते हैं, तो ये वाई एक्सिस की लाइन, ये एक्स एक्सिस की लाइन, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो एक्स है -3, तो ये बड़ा पॉइंट, इसका 1 2 ही लेंगे क्योंकि ये छोटी वैल्यूज थी, -2 और -3, और इधर हमने 5 5 का लेना है क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज हैं। तो वो है 5 10 15 20 25, तो ये 3 पर पहली वैल्यू जो है वो 3 पर 22 है, ठीक है। तो ये 3 और ये 20 है, तो यहाँ तकरीबन 22 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर -2 पर 15 था, तो ये तकरीबन, लेकिन आप सही बन गया खुला डुला, उसमें ज़रा सही नहीं बन रहा था। फिर -1 पे 10 है, तो यहाँ पर 0 पर 7 है, तो यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा ऐसे, क्योंकि x 0 y वाली लाइन पे ही होता है। फिर 1 पे 6 है, ये 1, यहाँ से 6 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 पर 7 है, तो
यहाँ पर तकरीबन 7 आ जाएगा ऐसे। फिर 3 पर 10 है, यहाँ पर आ गया तकरीबन, ठीक है। लें जी इनको मिला लें, लो जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 का सेकंड पार्ट था ना, ये उसका है, ये भी आप सही कर लीजिएगा, ठीक है।